हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन पे स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2, जो कि है क्लास 7th की और सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है 8 अप्रैल 2021। तो हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू हो रहा है, वही वाला टॉपिक। तो हम पंछी उन्मुक्तगण के, तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्तगण का दूसरा पाठ भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो मतलब कि पक्षियों को भी वैसा, जैसे हम लॉकडाउन में बंद थे, लॉकडाउन में थे, हमें अजीब सा लग रहा था, बाहर जा ही नहीं पाए थे, तो वैसे ही पक्षियों को भी लगता होगा। तो ये कविता कंटिन्यू करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। मतलब कि श्रृंखला का मतलब होता है पिंजरा। और पक्षी कह रहे हैं हम सोने के पिंजरे में अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं, बस अब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और ऐसे थे अरमान उनके कि वो नीले नब की सीमा पाने के लिए उड़ते थे और लाल किरण जैसी चोंच खोल के तारक अनार के दाने चुगते थे। भावार्थ पढ़ते चलिए। अब कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान का ढंग सब भूल जाते हैं, फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं, वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। आइए जाने हमने क्या सीखा। पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर क्या भूल जाते हैं, तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। पहले आप सभी यहाँ से यहाँ तक पूरा करें, पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे सबसे पहले आप, उसके बाद आप लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बहुत स्मॉल था, बहुत ईजी चैप्टर था। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि पक्षियों के ये अरमान थे कि ऐसे, मतलब पक्षियों के अरमान थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी सपना देखते हैं कि वे तरु की फुनगी पर के झूले झूल रहे हैं। तो ये जो मैंने मुंह से बोला आप वही सुन के लिख दीजिएगा, मैंने अभी लिखा नहीं। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, वे अपनी चोट से क्या करना चाहते थे। वो तारक अनार के दाने चुगना चाहते थे। तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो आप ये लिख देंगे, पक्षी अपनी चोंच से तारक अनार के दाने चुगना चाहते थे। तो ये आप मेरे मुंह से सुना वही लिख देंगे अच्छे से। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमें पक्षियों के लिए, जब धूप होती है बहुत ज़्यादा तो हमें उसके लिए पानी डालना चाहिए किसी कटोरे में छोटे से, या फिर घड़े में नहीं डालना चाहिए, घड़े में उनको, वो तो आपने प्यासा कौवा वाली कहानी सुनी होगी, तो इसलिए घड़े में नहीं डालना चाहिए। मतलब घड़े में डालें भी तो पूरा भर के डालें ताकि वो पक्षी ऊपर से पानी पी के चल जाए। और फिर आप उनके लिए एक घर भी छाया वाला घर भी बना सकते हैं, घोंसला टाइप। और आप उनके लिए कुछ दाने, गेहूं के दाने भी रख सकते हैं, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं इसका आंसर। तो
तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।